Hey guys, what's up? Badri Anand is back with the new video. So guys, welcome back to my channel Badri Fitness. कैसे हो यार आप सब? अच्छे हो गए चीकू भाई. हेलो भाइयो. तो यार जो आज की वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे बैक वर्कआउट को लेके यार. लाइक यार मंडे को आपने चेस्ट ट्रेन करी है, चेस्ट की सारी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी. अब बात करेंगे बैक वर्कआउट, लाइक वो जो ट्यूजडे को आप ट्रेन करोगे. तो अच्छे से वीडियो को देख लेना, आप लोगों के लिए यार काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है. और जो बैक मसल है यार, लाइक हमारा अभी सिंगल पार्ट ट्रेनिंग चल रही है. चीकू एक बोले रोटेट होना, ये देखो ये पूरा यार बैक मसल है, इसको अच्छे से ट्रेन करना है. सिंगल बॉडी पार्ट चल रहा है, एक दिन अगर जिम में एंटर कर रहे हो तो उसको ऐसी ट्रेनिंग करो कि पूरे अच्छे से बिल्ड होना चाहिए मसल. अगले दिन फील होना चाहिए कि कोई ट्रेनिंग करी थी. लाइक ये देखो ये पूरा ट्रैप्स मसल आ गया, इसके अंदर पूरे लैट्स आ गए, पूरी लोअर बैक आ गई, इन सबको ट्रेन करना है. तो एक एक करके घूम जाओ चीकू भाई, एक एक करके आपको सारी एक्सरसाइज बताऊंगा कि कौन से मसल पे कौन सी एक्सरसाइज अफेक्ट करेगी. तो बस करना क्या, आपको वीडियो को एंड तक देखना है. और इंस्टाग्राम पे भाइयों फॉलो कर लेना, बद्री नारायण फिटनेस है, चीकू भाई के नाम से मिल जाएगा आपको इंस्टा. बात करेंगे आपसे काफ़ी सारी. तो चलो स्टार्ट करते हैं वर्कआउट. सो यार जो हमारा फर्स्ट वर्कआउट होगा, हम उसको लेंगे अपने पुलअप्स यार. लाइक आपको पता है पुलअप्स आपके पूरे बैक मसल पे अच्छे से अफेक्ट करेगी. बट यार काफ़ी बंदे यार, काफ़ी बिगिनर्स भाई पुलअप्स नहीं लगा पाते. बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोशिश करो यार हेल्प लेने की, यार किसी की भी हेल्प लेके धीरे धीरे करके यार इसके जब आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो आप लगा लोगे. जैसे भी चीकू भाई को मैं कोशिश करूँगा कि हेल्प करवा के आपको लगा सकता हूँ. पोजीशन देख लेना किस तरीके से रखनी है. ये देखो पोजीशन देखो, ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना कितना वाइड, इतना वाइड तो रखोगे नहीं यार ना, ज़्यादा अंदर की तरफ रखोगे, अपना नॉर्मल अपना रखोगे ग्रिप, जितना आपके शोल्डर से थोड़ी सी ग्रिप बाहर की तरफ होगी. ठीक है चीकू भाई, पोजीशन देख लीजिए अपना. ठीक है पैरों को फोल्ड करा, चेस्ट बार बैक स्ट्रेट, 1 2 3 4. आ जाओ चीकू भाई, अब करके दिखाएंगे आपको. चलो चीकू भाई हाँ ग्रिप को रख लीजिए, ठीक है एकदम परफेक्ट. और अगर हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो आप हेल्प करवा सकते हो यार. अगर किसी को नहीं लग सकते तो अपना हेल्प ले लेना, बढ़िया से लग जाएंगे. चलो चीकू चार बार रखो बैक स्ट्रेट, पैरों को फोल्ड करो. चलो हाँ जान दो पर, 1 बहुत बढ़िया, 2 परफेक्ट, 3 सेल्फ लग रहा है सेल्फ, कोई नहीं आन दो, 4 लास्ट, 5. सो आपने देखा चीकू भाई ने भी कितनी मुश्किल से लगाए, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार. 3 या 4 या 5 ऐसे इस तरीके से हेल्प के सारे से लगाओगे तो कोई नहीं, धीरे धीरे करके अपने आप जब स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो लगा लोगे. अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की, बट इसके आपको 3 सेट्स रखने हैं एंड रेपिटेशन 5 to 10 या 12 तक रख सकते हो. सो यार जो हमारा सेकंड वर्कआउट होगा उसका नेम है लेग पुल डाउन. यार ये देखो लेग पुल डाउन मशीन है, सबके जिमों में अलग अलग प्रकार की होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. बट जो इसका अफेक्ट आपके पीछे लैट्स मसल पे आना ही आना है यार. देखो आपको रेपिटेशन से इसके कितने रखने हैं, 8 12 वगैरह. बट जो आपका फोर्थ सेट होगा उसके अंदर लेंगे ड्रॉप, वो दिखाऊंगा आपको किस तरीके से. लाइक आपने यार चिनअप्स करे, चिनअप्स के बाद लेग पुल डाउन पे आओगे ना, लेग पुल डाउन के 3 सेट अपने नॉर्मल रखना एंड जो फोर्थ सेट होगा उसको ड्रॉप. मैं चीकू भाई के ऊपर आपको करके दिखाऊंगा, बहुत बढ़िया उसका यार बेनिफिट होता है. क्योंकि यार देखो ड्रॉप सेट करोगे तो मसल और ज़्यादा उसके अंदर ट्रेंड होगा. इसकी पोजीशन देख लीजिए यार, देखो वेट यार आपको स्टार्टिंग में यार बिगिनर यार ये देखो 5 या 10 किलो भी हैवी लगेगा. बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, धीरे धीरे करके जब स्ट्रेंथ इंक्रीज होती रहेगी तो एक दिन वार्म अप भी नहीं होगा यार आपका. ये हमने देखो वेट इसके अंदर जितना है ऐसे लाइक इसके अंदर मैं अपने डाल लेता हूँ, अपना ग्रिप वही शोल्डर से हल्की सी बाहर की तरफ पकड़ूंगा. ठीक है ये देख चीकू भाई बैठे इस तरीके से, चेस्ट बार रखोगे, 1 2 अच्छे से फील करना मसल को, 3 4 5. चीकू भाई के लिए थोड़ा सा वेट कम कर देंगे, लाइक कर देते हैं हम 10-15 राउंड. आओ बैठो चीकू भाई, हाँ ये ग्रिप पकड़ी, चेस्ट बाहर रखो. ठीक है देखो पूरी ऐसे होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए आपके चेस्ट. चलो अब लेकर आओ नीचे चीकू भाई, 1 आन दो नीचे, ये 2 बहुत बढ़िया, थोड़ा सा और नीचे आएगा, ऊपर स्लो जान दो, परफेक्ट, 4 थोड़ा सा फास्ट करो, ये फास्ट, 5 हाँ पूरा फील करता है, बहुत बढ़िया, आन दो, 6 7 8 रख दो इसको. ये आपका फर्स्ट सेट कंप्लीट हो गया. सेकंड के अंदर कोशिश करो वेट बढ़ाने की, थर्ड के अंदर कोशिश करो वेट बढ़ाने की. जब आ जाएगा ना फोर्थ सेट के अंदर, लाइक आप यहाँ तक अगर आप पहुँच गए, अब चीकू भाई उठाओ इसको, आपको इस तरीके से लेना फोर्थ सेट. लाइक आपका वेट पहुँच चुका है 30 से 40 तक पहुँच चुका है, तो दो दो करके प्लेटें कम करनी है. लगाओ चीकू एक बार, पहले माइंड सेट करो अपना, हाँ चलो खींच के, वेट हैवी हो लगेगा कोई दिक्कत नहीं, 1 आन दो, 2 आराम से, हाँ 3 बहुत बढ़िया, 4 आन दो,
ये पूरा फील करते हैं। 5 हाँ दो, 6 रख दो इसको, रेपिटेशन 10 तक जान देना, फिर वेट कम करा। ये लाइक हमने इसका वेट कम करा, चलो चीको लगाओ द्वार से, चलो ये हाँ दो, 1 बहुत बढ़िया, 2 बहुत बढ़िया खींच के, ये 3 हाँ दो, 4 एकदम परफेक्ट, 6 7 8 दो लगेंगे, 9 एंड 10 इस तरीके से, इस तरीके से अपने दो सेट रख लेना लाइक जिसके अंदर, उसके अंदर भी 8 to 10 रेपिटेशन, 12 तक चले जाना। देन आप जो लोगे, और अगर आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है तो 3 ड्रॉप सेट कर सकते हो इसी के अंदर, लाइक और कम वेट करके फिर से 8-10 रेपिटेशन निकाल सकते हो। तो बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की। सो यार जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है, थर्ड एक्सरसाइज का नेम है सीटी ड्रॉइंग। यार सीटी ड्रॉइंग मतलब इसको बैठ के आपको रोइंग करना है पूरे अच्छे से, और ये हमारे कौन से मसल ट्रेन करेगी, पीछे हमारे लेट्स वगैरह अच्छे से मसल इसमें ट्रेंड होंगे, अपर मतलब लाइक जो हमारी अपर बैक है वो अच्छे से इसमें ट्रेंड हो जाएगी। सो ये है यार, हम नीचे बैठ के करेंगे, कईयों के जिम में होती है तो उधर भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके कौन सी मशीन है यार। तो मेरे को तो ये काफ़ी इफेक्टिव लगती है। ये देखो पोजीशन देखो क्या रखनी है इसकी आपको, अपना बैठ के नॉर्मल, ठीक है चेस्ट बाहर रखनी है, देख चाहिए वाई, ठीक है इसमें बैक स्ट्रेट रहेगी आपकी, 1 2 3 और पूरा आगे तक जान देना, 4 तभी पूरे इसके अंदर लैट्स आपके स्ट्रेच होंगे, 5 6 7 8 हाँ दो चीकू भाई, चीकू भाई के लिए थोड़ा सा वेट कम कर दिया जाएगा, आ जाओ हेलो लगाओ चीकू बैठो, हाँ पैरों को अच्छे से अपने वो करके, ठीक है पीछे की तरफ जान दो इसको, खींचो चेस्ट बार रखो, बैक स्ट्रेट थोड़ा और पीछे हो, हाँ ठीक है हाँ, अब रखो चेस्ट बार बैक स्ट्रेट, हाँ ये जान दो पीछे, पूरा आगे स्ट्रेच करो अच्छे से, जान दो पूरा आगे जान दो, 2 हाँ और आगे जान दो अच्छे से, पूरे स्ट्रेच होने चाहिए लेट्स आपके, 4 अच्छे से फील करके, 5 ये चेस्ट बार रखो, हाँ ये 6 7 थोड़ा सा आगे जाते हुए, 8 9 बहुत बढ़िया, 10 बहुत बढ़िया, 11 बहुत बढ़िया आ रहा है, 8 12 बस रख दीजिए आराम से रखना है ये बिल्कुल। आपको इसके रैप्स आपको 8 to 12 रखने हैं एंड सेट्स आप इसके 4 रखने हैं। बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की। सो बात करेंगे यार हम फोर्थ एक्सरसाइज की। फोर्थ एक्सरसाइज का नेम है सिंगल आर्म रोइंग, जो लाइक हमारे इसमें सिंगल आर्म चलेंगे, और जब सिंगल आर्म चलेंगे तो आपका पूरा साइड लैट्स मसल इस पर अच्छे से ट्रेन होगा। लाइक यार आपके ऊपर वेट आपके ऊपर डिपेंड करता है यार, देखो स्टार्टिंग आप 5 से कर रहे हो, देन आप 10 करोगे, 7.5 करोगे, ये देखो ये 3-4 तरह के इधर डंबल पड़े हुए, ये 5 का हो गया, 15 का हो गया, ये 7.5 का हो गया, 5 से धीरे धीरे 7.5 पे जाओगे, 7.5 से 15 से, 15 से ये 25 से 30 पे, तो हर एक चीज़ को टाइम लगता है। धीरे धीरे जिम में एंटर किया तो सीधा 30-30 किलो हो गया, आप डंबल नहीं मारोगे। तो इसकी पोजीशन आप देख लीजिए लाइक इसके अंदर, देखो चीकू भाई अपना चेस्ट बार रखी, ठीक है अपना हैंड को इस तरीके से रखा, ठीक है जो आपके इधर जॉइंट के इसके बिल्कुल सामने आपका फिट आना चाहिए, ठीक है अभी उठाया डंबल, याद है ना जब हम इसको करते थे लाइव स्ट्रीम के अंदर भी, 1 2 3 अच्छे से पूरा नीचे जान दो, अच्छे से स्ट्रेच होना चाहिए, 4 5 6 7 8 फीलिंग होनी चाहिए, वर्क 9 10 इधर का कंप्लीट करके देन दूसरी साइड करेंगे। अब चीकू भाई आपको करके दिखाएंगे, आओ चीकू भाई उठाओ डंबल 5 का, हाँ ये पैरों को इधर की तरफ करो, हाँ ये स्ट्रेट करो चेस्ट बार बैक स्ट्रेट, थोड़ा सा नीचे की तरफ हाथ आगे की तरफ कर लो वाला हाथ ना, हाँ ये अपने आप ही आपके देखो पूरी बॉडी शेप में आ गई है, चलो 1 हाँ 2 पूरा नीचे डाल दो, 3 पूरा लेट्स आपके स्ट्रेच होने चाहिए, 4 हाँ 5 ऊपर आ दो थोड़ा, 6 हाँ ये 7 ये पूरा मसल ये देखो पूरा इसके अंदर कवर होगा, 8 9 10 रख दो वेट को, जब ये कंप्लीट हो जाए सेकंड सेट के अंदर वेट बढ़ा लेना 7.5 हो सके तो, देन अपना 10 सेट्स इसके मार को 4 रखने हैं, रेपिटेशंस 8 to 12 रहेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की। सो यार बात करेंगे हम फिफ्थ एक्सरसाइज की, उसका नेम है क्लोज ग्रिप पुल डाउन। या लाइक अगर आप सिंगल पार्ट ट्रेन कर रहे हो तो आपको 5 से 6 एक्सरसाइज तो रखनी है। इसके बाद आपको लोअर बैक के वर्कआउट भी बताऊंगा। लाइक अभी हमारे यहाँ तक सारे हमने अपर को अच्छे से ट्रेन कर लिया, जो आपकी वी बैक अच्छे से बनेगी ये सारा जब वर्कआउट करेंगे, तो अब हम लेंगे क्लोज ग्रिप पुल डाउन। यार मैंने इसके अंदर वो नहीं बताया आपको कि बेंट ओवर रोइंग लेनी है आपको यार, वो क्योंकि थोड़ी टफ हो जाती है, वो लेना मुश्किल हो जाएगा। कुछ हम थोड़ा 1 या 2 महीने तक इसको कंटिन्यू ट्रेनिंग को रखेंगे, फिर हम चेंज करेंगे सब कुछ। यार पहले
पहले महीने के अंदर कर लेंगे तो नेक्स्ट मंथ के लिए कौन सी एक्सरसाइज रखोगे यार फिर, तो इसलिए नेक्स्ट मंथ के लिए भी हमारे को थोड़ा हैवी वर्कआउट रखना है, तो चेंज करते रहना होता है, वेरिएशन चेंज करते रहनी होती है जो हमारे मसल्स को फिर हेल्प करेगा आपको चेंज करने में। तो ये है आपके सामने लाइक ए केबल क्रॉस ओवर मशीन ही है, इसके अंदर लाइक रस्से पुली पुश डाउन वगैरह सारी काफ़ी सारी एक्सरसाइज हम इससे करते हैं। तो हम इसके अंदर ग्रिप अपनी देखो करेंगे रिवर्स ग्रिप, ठीक है चिकू, अपना बैठे नॉर्मल, चेस्ट बार रखनी है ठीक है, बैक स्ट्रेट रखनी है चिकू, ये लाएंगे यहाँ पे चेस्ट तक, वन पूरा अच्छे से स्ट्रेच, टू पूरा फील करते ऊपर, थ्री जान दो ऊपर, फोर पूरा फील करते हुए, फाइव देख रहे इसके अंदर ऊपर के हमारे ट्रैप्स मसल भी अच्छे से इसमें कवर हो रहे हैं। अब चिकू भाई आपको करके दिखाएंगे, थोड़ा सा वेट कम करेंगे क्योंकि यार देखो अभी बिगिनिंग है, शुरुआत है, ये लो आ जाओ चिकू, रुक जाओ थोड़ा सा ये वेट ज़्यादा लाइट हो जाएगा क्योंकि नीचे की तरफ बॉडी को वेट खींचेगा। चलो इतना ठीक है, बैठो आराम से ठीक है, ये चेस्ट बाहर रखनी है, बैक स्ट्रेट रखनी है, आगे की तरफ पैरों को अंदर ले जाओ, अंदर डाल दो उसके, हाँ आगे की तरफ बैठो, हाँ चलो अब ठीक है बिल्कुल, ले आओ नीचे, हाँ ये पूरा ऊपर जान दो, पूरा ऊपर जान दो, स्ट्रेच करो, टू पूरा अच्छे से ऊपर स्ट्रेच, हाँ थ्री बहुत बढ़िया, देखो पूरा मसल इसमें कवर हो रहा है, फोर फाइव परफेक्ट एकदम, सिक्स बहुत बढ़िया आन दो, सेवन एट नाइन एंड टेन पूरा बढ़िया से पूरे इसके अंदर आ गए इसके कवर मसल, ठीक है ये आपकी पूरी कंप्लीट हुई, अपर बैक आपकी अच्छे से कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं लास्ट एक्सरसाइज की, उसमें हम ट्रेन करेंगे लोअर बैक को। सो यार जो हमारा लास्ट वर्कआउट है यार, इसको हम लेंगे हाइपर एक्सटेंशन, जो यार हमारी लोअर बैक को ट्रेन करेगा यार। जब आप इसको करते रहोगे, जब आपकी लोअर बैक ट्रेंड हो जाएगी, देन आप अपना डेडलिफ्ट में भी लगा पाओगे। वो जब हमारा थोड़ा एडवांस लेवल का लाइक इंटरमीडिएट जब हमारा बैक वर्कआउट आएगा, उसके अंदर मैं आपको डेडलिफ्ट सिखाऊंगा यार। अभी स्टार्टिंग में यार लाइक इसने भी मिक्स वर्कआउट सीखा है, मिक्स वर्कआउट के बाद इसको वो चीज़ें चाहिए जो मशीनों पर एक्सरसाइज हो पाए यार, सीधा यार ऐसे मुश्किल हो जाएगा मैं इसको अगर डेडलिफ्ट सिखाऊंगा या बेंट ओवर सिखाऊंगा, क्योंकि यार ये अपने अच्छे से बैक को रोटेट नहीं कर पाएगा कोई भी बिगिनर होगा या चीकू भाई, तो इसलिए बैक को रोटेट इसलिए कर लेते हैं क्योंकि होम वर्कआउट के अंदर थोड़ा बहुत ट्रेंड कर दिया इसको हमने। तो अब यार देखो ये हाइपर एक्सटेंशन सब जिमों के अंदर होती होती है, अपने हिसाब से इसको एडजस्टमेंट कर लेना कि आपकी थाइस पूरी इसके ऊपर आनी चाहिए। देखो चीकू अपना हाथ रखा, ये गए, देन पूरा पीछे अच्छे से स्ट्रेच, वन टू थ्री फोर, ठीक है इस तरीके से। अब ये चिकू भाई के हिसाब से तो कम है क्योंकि चिकू भाई की टांग ही टांग कम से कम 6 फुट की है, तो उसको इसको थोड़ा लंबा कर लीजिए, आ जाओ, हाँ चलो ठीक है, हाँ बिल्कुल परफेक्ट, जान दो पूरा नीचे, ये पूरा ऊपर आओ, ये वन, हाँ परफेक्ट एकदम, ये गए टू, इसको भी स्ट्रेट रखना है जब नीचे जा रहा है, हाँ ये स्ट्रेट ही रखना है, ये हाँ ये स्ट्रेट रखा एंड पूरा पीछे की तरफ, ये पूरा अच्छा इसमें ट्रेंड होएगा, चलो या फोर पूरा, हाँ एकदम बढ़िया, फाइव सिक्स टू और करने, सेवन आन दो पूरी, हाँ बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग हो रही है बैक, एट बस आ जाओ, रेपिटेशन इसके 8 to 12 रहेंगे एंड सेट्स हमारे इसके 4 रहेंगे। तो आज आपने देखा किस तरीके से यार वर्कआउट मैंने बताया आप लोगों को, लाइक पूरे इसके अंदर हमारे बैक अच्छे से ट्रेंड हो गई, चिकू बढ़िया ट्रेंड हो गई ना, हाँ भाई बैक बढ़िया। अगर तू इन सबके 3-3 सेट्स मारेगा, 4-4 सेट्स मारेगा, बढ़िया वेट को इंक्रीज करता रहेगा, तो जरूर यार मसल डेवलप होगा, नहीं होगा बिल्कुल होगा ना, तूने यही सब एक्सरसाइज अभी एक एक सेट करा है तब भी लग रहा होगा कि हाँ पता लग रहा है बैक, तो बस यार आपको यही रखना है यार, स्टार्टिंग में बस इसी गाइडेंस से वर्कआउट कर लेना, जिम में एंटर कर रहे हो तो आपका ट्यूजडे का कंप्लीट हो गया वर्कआउट। अब बैठना चाहिए हम बात करेंगे कौन सा बॉडी पार्ट होगा, तो उसकी वीडियो आप लोगों के लिए आ जाएगी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बस करना क्या है आपको मैक्सिमम कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और इंस्टाग्राम पे बस फॉलो कर देना है। ओके गाइज बाय, लव यू ऑल, बाय कर दो चिकू भाई।